धनबाद के बागमारा विधानसभा के बहुचर्चित भाजपा विधायक ढुल्लू महतो आज धनबाद जेल से रिहा हो गए। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद उन्हें धनबाद जिला से रिहा कर दिया गया। विधायक ढुल्लू महतो धनबाद जेल में 11 मई से बंद थे। विधायक ढुल्लू महतो पर धनबाद जिला भाजपा की पूर्व महिला पदाधिकारी के साथ दुष्कर्म की कोशिश का आरोप है। इस मामले में शुक्रवार को ही उन्हें रांची हाईकोर्ट से जमानत मिली। जमानत आदेश धनबाद जेल प्रबंधन के पास पहुंचने के बाद जेल से छोड़ दिया गया। वहीं जेल से निकलने के बाद विधायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए न्यायालय पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि उन पर राजनीतिक साजिश के तहत आरोप लगाया गया है। विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को CBI जांच कराने की मांग की। तभी तो आज हमको न्याय मिला है और न्यायालय पर सबको विश्वास करना चाहिए। और हमने तो हमारे बड़े भाई ओपी साहब जो समझिए हमारे हैं गार्जियन हैं, हमने तो CBI जांच के लिए भी इस केस के बारे में और कई केस मुकदमा हुआ है उसके बारे में हमने CBI जांच के लिए भी डिमांड किए हैं। मेरा आग्रह को स्वीकार करें, कोर्ट उसका जांच करे, अगर दोषी है तो है, नहीं तो गलत इस तरह से आरोप लगाकर हमको जेल भेजा उसको सजा मिल जाएगी। तो क्या कहेंगे झारखंड सरकार कोई निजी दुश्मनी निकालने के लिए, क्योंकि जैसे ही सरकार बनी एक से एक केस आपके होते रहे? देखिए वो तो जाँच का विषय है, वो जाँच करे और जो दोषी लोग हैं जो इस तरह का झूठा मुकदमा सरकार एक साजिशन आपके ऊपर इस तरह की कार्रवाई करने को विवश हुआ किसी के दबाव में, कुछ राजनीतिक पार्टी के दबाव में? जिसका दबाव हो नहीं हो वो न्यायालय पर हमारे हमको जो विश्वास था उस विश्वास के प्रति हम स्वस्थ थे कि हमको न्याय मिलेगा और न्याय मिला। बता दें कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से शारीरिक दूरी का पालन करने का आदेश निरस्त है, लेकिन विधायक के समर्थक जेल गेट पर बड़ी संख्या उपस्थित थे और उनके समर्थक जेल गेट पर शारीरिक दूरी अनुपालन की जमकर धज्जियां उड़ाई। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।